वज़ीर आज़म जिस तरह मुल्क चला रहे हैं, एक नहीं दो पाकिस्तान, नालायक हुकूमत हमें तकसीम करने की कोशिश कर रही है। बिलावल ने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा, मानना पड़ेगा ताकत का सरचश्मा आवाम है, वरना घर जाना होगा। विफाक को सिंध का हक छीनने नहीं देंगे। पंजाब का आईजी तब्दील होता है, वजीर आला को इल्म ही नहीं होता। अपनी नालायकी और ना अहली छुपाने के लिए गालम गलोच के सिवा एक मंसूबा भी शुरू नहीं किया गया। ये नालायक ना अहल वफाकी हुकूमत हमारा आईनी हक को भी मारते हैं और गैस लोड शेडिंग सबसे ज्यादा उन इलाकों में करते हैं जहां से गैस पैदा होता है। वज़ीर आज़म ने कैंपेन के दौरान कहा था कि दो नहीं एक पाकिस्तान में, लेकिन जिस तरीके से वो हुकूमत चला रहा है हमें नजर आ रहा है कि एक नहीं दो पाकिस्तान। पंजाब का आईजी ऐसे तब्दील हो जाता है, पंजाब का आईजी चीफ वजीर आला को पता ही नहीं होता है और चेंज हो जाता है, लेकिन जब सिंध की बात आता है तो यहाँ कोई अलग कानून है। एक पाकिस्तान में एक कानून हो, अगर पंजाब के आईजी ऐसे तब्दील हो सकता है तो सिंध का आईजी भी उसी रूल्स के मुताबिक, उसी प्रेसिडेंस के मुताबिक तब्दील होना चाहिए। अब अपना नाकामी और नालायकी को छुपाने के लिए गाली देने के बजाय काम कर, अवाम का मसाइल हल करें, वरना अवाम आपसे हिसाब लें।